नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल डब्ल्यू एन ब्लॉग्स में। दोस्तों आज हम आपको लेके आए हैं गंगानगर मेरठ में स्थित कृष्णा एनक्लेव का विजिट कराने। आप देखिए कितना खूबसूरत यहाँ का एंट्रेंस, सीसीटीवी इसके एंट्रेंस पे आपको दिख जाते हैं। सेफ कॉलोनी और कितने खूबसूरत मकान यहाँ बन चुके हैं। 40 फीट की वाइड रोड यहाँ इसकी एंट्री पे मिल जाती है। आप देखिए इस कॉलोनी का कितना ही अच्छा लेआउट आपको देखने को मिल जाता है। काफ़ी सारी फैमिलीज यहाँ इस कॉलोनी में रह रही हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, सीवरेज की पूरी व्यवस्था है और आप देख सकते हैं आपके लेफ्ट हैंड साइड कितने सारे खूबसूरत मकान जहाँ पे ऑलरेडी लोग रहे हैं। तो ओवरऑल एक बहुत अच्छी कॉलोनी आप देख सकते हैं। गंगानगर से ये प्रकृति मार्ग पर पड़ने वाली कॉलोनी है, बहुत ही प्यारा यहाँ इसका लेआउट। अब हम आपको विजिट करा रहे हैं 107 वर्ग गज में बने पूरब मुहाने इन मकानों का। आप देखिए 21x50 के अप्रॉक्स डायमेंशंस के में बने ये मकान आपके सामने हैं। बहुत ही प्यारा इसका व्यू, आउटर व्यू आप देख लीजिए। इस पर रस्टिक टेक्सचर का वर्क आपको आउटर वॉल्स पर यहाँ देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा स्काई पार्किंग एरिया। आप देखिए आउटर सेक्शंस में इसका एक्स्ट्रा लेड पाथ का ये सेक्शन, यहाँ पे एल्युमिनियम का डोर आपको मिल जाता है और ये इसका टाइल्स का वर्क बहुत ही प्यारा यहाँ पे पॉलिश वर्क विंडोज़ पे, डोर्स पे, जाली के पल्लों पे आपको देखने को मिल जाता है। ग्राउंड पे आउटर में ग्रेनाइट का वर्क है, कॉस्टली है, बहुत अच्छा है। अब हम आपको इसका ड्राइंग एरिया की साइड से आप एंट्री विजिट करा रहे हैं। यहाँ पे लो लाइट कंडीशंस में भी आप देख सकते हैं एलईडी का पैनल आपको मिल जाता है। छत पे आपको फॉल सीलिंग का वर्क मिल जाता है, साइड में टेक्सचर वर्क मिल जाता है आपको वॉल्स में, और यहाँ ये डिवाइडर का एक खूबसूरत वर्क आपको करा के दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं बहुत ही उम्दा यहाँ वर्क। डाइनिंग एरिया के ऊपर भी यहाँ पर फॉल सीलिंग का वर्क और डाइनिंग एरिया के सेक्शन के साथ ही मौजूद है अटैच्ड किचन। तो आप देखिए फिनिशिंग के साथ काफ़ी अच्छा वर्क यहाँ पे करा के दिया जा रहा है। दोस्तों 107 वर्ग का मकान यहाँ आप किसी भी एंगल से इसको छोटा नहीं कह सकेंगे। बहुत ही स्पेशियस यह मकान आपको मिल जाता है और अच्छा यूटिलाइजेशन यहाँ पे मिल जाता है। इसका फर्स्ट बेडरूम जो अप्रॉक्स 10x12 के डायमेंशन में है, ये आपके सामने है। इस रूम में आपको अटैच्ड अलमीराज मिल जाती है। आप देखिए कवर्ड्स आपको तैयार करके दी जा रही है। अब हम इसको पीछे जाल या वॉशिंग एरिया आप कह सकते हैं यहाँ आपको लेके चलते हैं। साइड में यहाँ आपको स्टोरेज का स्पेस मिल जाता है, जाल आपके सामने है और एक अच्छा स्पेस भी यहाँ पर आपको वॉशिंग एरिया के रूप में मिल जाता है। इसके कॉमन लेट बाथ की तरफ हम आपको लेके आए हैं। अप्रॉक्स 7x7 का ये डायमेंशन आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी डुअल एलुमिनियम डोर्स और आप यहाँ पर इनकी फिटिंग्स देख सकते हैं। क्वालिटी ऑफ मटेरियल आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार और उम्दा। वॉल टाइल के कॉम्बिनेशन भी एकदम सोबर और आंखों को सुकून देने वाले। सेकंड रूम में जैसे ही हम एंटर करते हैं 10x12 का ये सेकंड बेडरूम आपके सामने है। अगेन लो लाइट कंडीशंस है, हम आपको वाइड एंगल से विजिट करा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत इस मकान में किया हुआ वर्क। अगेन हम डाइनिंग एरिया में जैसे एंटर होते हैं इसकी जो कॉमन वैनिटी है इसमें ही आपको मिरर के पीछे स्पेस मिल जाता है आपको छोटे मोटे सामान रखने के लिए। अब हम इसके सेकंड डोर से जब हम ऊपर स्टेयर्स की तरफ विजिट करते हैं तो आप देखिए किचन के साथ में ये वेंटिलेशन विंडो और स्टेयर्स में कंप्लीट ग्रेनाइट का वर्क, बहुत ही शानदार खूबसूरत और आला दर्जे का वर्क यहाँ देखने को मिल जाता है। स्क्वायर शेप में एसएस की रेलिंग आपको मिल जाती है, कॉस्टली और सोबर। छत पे ममटी में भी आप देख सकते हैं प्यारा टेक्सचर वर्क, पीओपी का वर्क और ये वेंटिलेशन विंडो। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, कैसी लगी ये विजिट कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।